हाय चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। हाउ यू, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको लेसन थर्ड, क्लास एट का लेसन थर्ड पढ़ाने जा रहा हूं, और ये इतना बेहतरीन लेसन है क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए, आपके आने वाले करियर के लिए काफ़ी इंस्पिरेशनल है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको ध्यान से समझें, ध्यान से पढ़ें। बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है जो आपकी आने वाली जिंदगी में भी काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो लेट्स बिगिन। द टाइटल इज द राइट चॉइस। चॉइस का मतलब होता है पसंद। हमारी सही पसंद क्या होनी चाहिए, सही पसंद क्या है? पढ़ाई के दरमियान जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उस समय हमारी सही चॉइस क्या होनी चाहिए, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो चलिए बिना डिले किए पहले इस लेसन को पढ़ लेते हैं, फिर इस लेसन में दिए गए मॉरल को डिस्कस करते हैं कि क्या नैतिक शिक्षा आपको देना चाहता है ये लेसन। ओके, सो ध्यान से सुनिए, समझते चलिए, जो भी मैं बता रहा हूँ बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड। राकेश बहुत उत्सुक था। एक्साइटेड का मतलब उत्सुक होता है, अंदर से खुश होना और थोड़ा थोड़ा परेशान भी होना, तो एक्साइटेड का मतलब उत्सुक होना होता है। इट वॉज हिज लास्ट डे ऑफ एग्जाम। क्यों बहुत खुश था? क्योंकि ये उसकी परीक्षा का अंतिम दिन था, लास्ट डे था। हिज वेकेशन वॉज अबाउट टू बिगिन। उसकी छुट्टियां शुरू होने वाली थी, वेकेशन छुट्टियां। ही वॉक्ड बैक होम चेयरफुली। ही वॉक्ड बैक होम चेयरफुली। वो खुशी खुशी, चेयरफुली माने प्रसन्नतापूर्वक अपने घर वापस आया। As soon as he reached home, he put his bag in a corner and ran towards his brother's room. As soon as, जैसे ही he reached home, वो घर पहुंचा, he put his bag in a corner, उसने अपना बैग एक कोने में रखा, and ran towards his brother's room, और अपने भाई के कमरे की ओर दौड़ कर गया। राकेश, don't disturb your brother. His exams are not yet over. His mother said, उसकी मम्मी ने कहा, राकेश अपने भाई को डिस्टर्ब मत करो, उसकी परीक्षाएं अभी समाप्त नहीं हुई हैं। His exams are not over yet. At माने अभी भी उसकी परीक्षाएं समाप्त नहीं हुई हैं, मतलब अभी तुम्हारे भाई की परीक्षाएं चल रही हैं, वो पढ़ाई कर रहा है, उसे डिस्टर्ब मत करो। राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली। राकेश दुखी पूर्वक, सैडली मतलब दुख से, दुख के साथ, थोड़ा सा निराश हो गया, वो रिटर्न हिज रूम, अपने कमरे में लौट आया। हिज ब्रदर मुकेश वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। उसका जो भाई मुकेश था वो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा था, यानी उसके भाई का जो बोर्ड एग्जाम चल रहा था। हिज पेरेंट्स डिड नॉट वॉन्ट मुकेश टू बी डिस्टर्ब। उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि मुकेश को कोई डिस्टर्ब करे, A little later, his mother called out Rakesh. अब थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी ने राकेश को बुलाया। Yes, mother. हाँ मम्मी, he answered. उसने उत्तर दिया and rushed to her room. और मम्मी के कमरे की ओर दौड़ के गया। What is it, mother? क्या बात है मम्मी? He asked curiously. उसने उत्साहपूर्वक पूछा, उत्सुकतापूर्वक पूछा, क्या बात है मम्मी, क्यों मुझे बुलाया? The table lamp in Mukesh room is not working. जो टेबल लैम्प है मुकेश के कमरे में वो काम नहीं कर रहा है, वो खराब हो गया है, जल नहीं रहा है। He needs it. उसे इसकी जरूरत है। Go and call the electrician. She said. उन्होंने कहा कि मुकेश के कमरे में जो लैम्प है वो काम नहीं कर रहा है और उसे इसकी जरूरत है, इसलिए जाओ और इलेक्ट्रीशियन को बुला के ले आओ। इलेक्ट्रीशियन क्या होता है? जो बिजली के सामान रिपेयर करता है, पंखा खराब हो जाए, ट्यूबलाइट खराब हो जाए, सीएफएल खराब हो जाए, चेंज कराना है, एसी, कूलर, ये सब जो काम करते हैं बिजली के, जो इलेक्ट्रिक जो अप्लायंसेस होते हैं उनकी जो मरम्मत करते हैं उनको हम इलेक्ट्रीशियन कहते हैं, आप ये जानते हैं। मदर, कान मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ। मम्मी, क्या मुकेश खुद से नहीं ठीक कर सकता है? He is so good at it. वो इन चीजों में बहुत अच्छे हैं, वो इन चीजों को बहुत अच्छे से कर लेते हैं। राकेश ने कहा कि मम्मी क्या मुकेश भैया इसे खुद नहीं ठीक कर सकते हैं? वो इन चीजों में बहुत अच्छे हैं, वे इन चीजों को बहुत अच्छे से कर लेते हैं। डोंट आर्ग्यू राकेश। बहस मत करो राकेश। आर्ग्यू मैंने बहस करना।
बहस मत करो राकेश, डू एज यू आर टोल्ड, जैसा तुम्हें कहा गया वैसा करो, शी सेड स्टर्नली। उसकी मम्मी ने कठोरता पूर्वक इस बात थोड़ा सा जोर से हल्का सा गुस्से से कहा, बहस मत करो, जैसा तुमको बोला गया वैसे करो। ओवरहियरिंग दिस कन्वर्सेशन मुकेश केम आउट एंड सेड, ओ मदर प्लीज लेट मी ट्राई, आई विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर। तो इन बातों को सुन करके, इन ओवरहियरिंग दिस कन्वर्सेशन, इसका मतलब हुआ कि संयोग से उन लोगों की वार्तालाप को सुन करके, ओवरहियरिंग मतलब संयोग से बात सुन करके, कन्वर्सेशन मतलब वार्तालाप, संयोग से उसके कमरे तक आवाज जा रही थी मम्मी की और उसके भाई की, तो उन लोगों की बातों को सुन करके मुकेश केम आउट एंड सेड, मुकेश कमरे से बाहर आया और उसने कहा, ओ मदर, अरे मम्मी प्लीज लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश तो करने दीजिए, आई विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे से ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुकेश इंटरेस्टेड हो गया क्योंकि उसको इन चीजों में मजा आता था करने में। नो डोंट वेस्ट योर टाइम, नहीं तुम अपना समय बर्बाद मत करो, गो एंड स्टडी, जाओ और पढ़ाई करो, शी सेड फर्मली। उसकी मम्मी ने फिर से थोड़ा कठोरतापूर्वक कहा, दृढ़तापूर्वक कहा, नहीं तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, जाओ और पढ़ाई करो। क्वाइटली मुकेश रिटर्न टू हिज रूम बट कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडीज। क्वाइटली मतलब शांत पूर्वक चुपचाप मुकेश अपने कमरे में लौट गया, बट कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडीज, लेकिन वो अपनी स्टडीज पर, पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पाया, ध्यान नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया? क्योंकि उसका मन तो लगा था कि मैं लैब प्रिपेयर करूंगा। ही वॉज ईगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट, उससे उत्सुकता थी, वो उत्साहित, उससे बहुत उत्सुकता थी कि वो अपने इलेक्ट्रिकल टूल किट को प्रयोग करे। उसके पास इलेक्ट्रिकल टूल किट थे, जैसे प्लास हो गया और पेचकस हो गया, स्क्रू ड्राइवर जिसको कहते थे, ये सारे सामान उसके पास थे, तो वो इन्हें यूज करने के लिए बहुत उत्सुक था कि अभी वो इन चीजों को यूज करेगा, क्योंकि उसे इन चीजों में मजा आता था। मुकेश हैड सेलेक्टेड ईच टूल विद अटमोस्ट केयर, मुकेश हैड सेलेक्टेड ईच टूल, मुकेश ने हर औजार अपनी अधिकतम देखभाल में बना के रखा था। अटमोस्ट केयर का मतलब सबसे ज्यादा देखभाल करके, अधिकतम केयर के साथ उन टूल्स को सेलेक्ट किया था, ले आया था और रखा था। ही केप्ट लुकिंग एट इट, वो इन टूल्स को लगातार देखता रहा। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ एंड फाइनली गॉट अप टू फिक्स द लैम्प, वो कंट्रोल नहीं कर सका और अंततः वो लैम्प को ठीक करने के लिए खड़ा हो गया, यानी कि वो अंदर से इसको बर्दाश्त ही नहीं हुआ, उसको कंट्रोल ही नहीं हुआ और फाइनली वो उठ गया और लैम्प को ठीक करने के लिए चल दिया। बाय द टाइम राकेश रिटर्न, मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैम्प। जब तक राकेश लौटा, कहां से लौटा, इलेक्ट्रिशियन को बुला करके, मुकेश ने पहले ही रिपेयर्ड द लैम्प, लैम्प को ठीक कर दिया था। वाओ मुकेश, यू आर ब्रिलियंट, वाओ मुकेश तुम बहुत बुद्धिमान हो, बहुत तेज हो। आई न्यू यूड बी एबल टू डू इट, मुझे पता था यूड बी एबल टू डू इट, तुम इसे ठीक कर लोगे, exclaimed राकेश। राकेश प्रसन्नता पूर्वक, राकेश उत्साह पूर्वक बोला, आश्चर्य पूर्वक बोला कि वाओ मुकेश तुम तो ब्रिलियंट हो, तुम तो बहुत ही बुद्धिमान हो, मुझे पता था तुम उसे ठीक कर दोगे। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, कठिनाई के लिए खेद, कठिनाई के लिए क्षमा चाहते हैं। द वर्क इज ऑलरेडी डन, काम तो पहले ही हो गया, यानी कि काम पहले हो गया, जिस काम के लिए आपको लाया गया वो काम तो पहले ही हो गया, इसलिए आपको ट्रबल देने के लिए, आपको परेशानी देने के लिए सॉरी। सेड द मदर टू द इलेक्ट्रीशियन, मम्मी ने इलेक्ट्रीशियन से कहा, आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट, मुझे निश्चित है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इसे मुकेश ने ही ठीक किया होगा। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम, तुम्हारे पास पहले से ही एक कुशल इलेक्ट्रीशियन है तुम्हारे घर में। कौन कह रहा है? मिस्टर यादव सेड एंड लेफ्ट विद अ स्माइल। मिस्टर यादव जो कि इलेक्ट्रीशियन थे, उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इसे मुकेश ने ही ठीक किया है, तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में तो पहले से एक एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन है। एक्सपर्ट का मतलब जो कार्य करने में दक्ष हो, कुशल हो, विशेषज्ञता हो, उसे उस काम को अच्छे से कर ले, उसे एक्सपर्ट कहते हैं। तो कहते हैं तुम्हारे घर में तो पहले से एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन है।
और ऐसा कहते हुए वो मुस्कुरा करके चले गए, लेफ्ट विद अ स्माइल यानी मुस्कुराए और फिर लेफ्ट यानी घर को छोड़ देने निकल गए। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, नाउ मैंने अब अपना समय बर्बाद करना बंद करो एंड गेट बैक टू योर स्टडीज और अपनी पढ़ाई पे फिर से लग जाओ। मदर टोल्ड मुकेश, मम्मी ने मुकेश से कहा ठीक है अब अपनी अपना समय बर्बाद करना बंद करो और फिर से पढ़ाई पे लग जाओ। ऑन द डे ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स, ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट्स, जिस दिन रिजल्ट की घोषणा होनी थी, जिस दिन रिजल्ट दिखाया जाना था, अनाउंसमेंट मतलब वैसे घोषणा होती है, मुकेश वेंट टू स्कूल विद हिज पेरेंट्स, मुकेश अपने माता पिता के साथ स्कूल गया। मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास, मुकेश ने अपने क्लास में टॉप किया था, मुकेश अपनी क्लास में टॉप आया था। मदर, मम्मी ने कहा नाउ इट विल बी इजी फॉर यू टू अगेन, नाउ इट विल बी इजी फॉर यू टू गेन एडमिशन इन अ गुड कॉलेज, अब तुम्हारे लिए एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाना आसान हो गया है क्योंकि आपके अच्छे नंबर हैं, आपने टॉप किया है, तो अब तुम्हें किसी भी कॉलेज में आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। मुकेश, मुकेश ने कहा मदर, मम्मी आई डोंट वॉन्ट टू गो टू अ कॉलेज, मम्मी मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता हूँ। फादर आई वॉन्ट टू ज्वाइन अ कोर्स दैट कैन हेल्प मी टू टेक अप माई हॉबी एज माई प्रोफेशन, पापा मैं एक कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ दैट कैन हेल्प मी, जो मेरी मदद कर सके टू टेक अप माई हॉबी, मेरे शौक को बनाने में, माई प्रोफेशन मेरा व्यवसाय, व्यवसाय या धंधा भी बोलते प्रोफेशन को। तो उसने कहा कि मम्मी मैं मुझे कॉलेज नहीं जाना है, पापा मुझे कोई कोर्स ज्वाइन करना है जो मुझे मेरे हॉबी को, मेरे शौक को प्रोफेशन में बदलने में मदद कर सके, यानी कि मेरा शौक है इलेक्ट्रिकल टूल्स को सही कर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को सही करना और बिजली के काम में मुझे मजा आता है, वो मेरा शौक है, इसलिए मुझे उस शौक को ही और डेवलप करने के लिए मुझे कोई कोर्स ज्वाइन करना है ताकि मैं अपने शौक को अपना प्रोफेशन बना सकूं, और ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे उस चीज को करने में मजा आता है और अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं बहुत खुश रहूंगा। द नेक्स्ट डे ही वॉन्ट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग, सॉरी नेक्स्ट डे ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद फादर, अगले दिन वो एक टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अपने पापा के साथ गया। टेक्निकल ट्रेनिंग मतलब जो तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं, जो तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं ऐसे संस्थान में वो अपने पिता के साथ एडमिशन लेने के लिए गया। देयर ही गेन्ड एडमिशन इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस, तो वहां उसने अपनी चॉइस के कोर्स में एडमिशन लिया, वहां उसे अपने चॉइस अपनी पसंद के कोर्स में एडमिशन मिल गया, प्राप्त कर लिया उसने। अ कपल ऑफ इयर्स लेटर, कुछ सालों बाद क्या होता है, एवरीवन लुक cheerful as they walked out of the house, हर कोई खुश था, हर किसी के चेहरे पे प्रसन्नता थी जैसे वो अपने घर से बाहर निकल रहे थे। मुकेश had set up a new shop, मुकेश ने एक नई शॉप बना लिया था, एक नई शॉप खोल रखा था, खोलने जा रहा था, उसे सेटअप कर लिया था। एंड दे वर गोइंग फॉर इट्स इनॉग्रेशन, वे लोग इसके उद्घाटन में जा रहे थे, मुकेश की नई इलेक्ट्रिकल शॉप के उद्घाटन में जा रहे थे। एट द इनॉग्रल सेरेमनी, उद्घाटन समारोह, उद्घाटन उत्सव में क्या हुआ, मुकेश आस्क्ड राकेश टू कम फॉरवर्ड, मुकेश ने राकेश को कहा कि आगे आओ एंड कट द रिबन और फीता काटो। तो जो उद्घाटन समारोह था उसमें मुकेश ने राकेश से निवेदन किया कि राकेश प्लीज आगे आओ और रिबन काटो, फीता काटो, मेरी शॉप का इनॉग्रेशन करो, उद्घाटन करो। एवरीवन क्लैप्ड एंड विश्ड मुकेश गुड लक, सभी ने ताली बजाई और मुकेश को गुड लक कहा, मुकेश को बहुत सारा गुड विशेस कहा, उसके लिए बहुत सारी कामनाएं की। तो देखा आपने कैसे इसमें गुड चॉइस के बारे में बताया गया है कि हम उसी काम को करें जिस काम में हमें मजा आता हो, जिस काम को हम एंजॉय करते हो, जो काम हमें करने में खूब मन लगे, हमें वही चॉइस लेकर आगे पढ़ाई करनी चाहिए। किसी के कहने से, मम्मी पापा के कहने से, किसी के दोस्त के कहने से, हमें अपना जो है मनपसंद, अपना सबसे फेवरेट चाहे विषय हो चाहे कोर्स हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। जो आपके दिल को, जो आपके मन को पसंद हो, जो आपके मन को सुकून देता हो, जिस काम को करने में आपको खूब अच्छा लगता हो, वही काम आपका राइट चॉइस होता है। तो यही इसमें स्टोरी में बताया गया है कि आप हमेशा अपने राइट चॉइस को ही
प्रेफर करें, किसी के कहने से उसे चेंज ना करें। मम्मी पापा अगर कहते भी कि नहीं तुम्हें साइंस पढ़ना है, तुम्हें आर्ट्स नहीं पढ़ना है, तुम्हें होम साइंस नहीं पढ़ना है, तो अगर आपका मन कहता है, अगर आपका दिल कहता है कि नहीं हमें यही पढ़ना है, तो उनसे प्यार से कहिए, उनको प्यार से समझाइए, तो वो ज़रूर मानेंगे। और अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनसे भी गुजारिश है कि इस राइट चॉइस नामक लेसन की महत्ता को समझें और बच्चों की राइट चॉइस को सपोर्ट करें। बच्चों इसमें अभी मैं एक्सरसाइज आपको कराऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसकी सारी चीजें जितनी भी इसमें पूछी गई मैं बहुत इजीली आपको करा दूंगा। तो तब तक इसको आप रिवाइज कर लें, इसका रिवीजन कर लें। हाँ, थोड़ा सा मैं आपको वर्ड मीनिंग दिखा देता हूँ। ये मैंने प्रिपेयर किया है आपके लिए, ये आपको मिल जाएगी जल्दी। चॉइस, पसंद, एक्साइटेड, उत्साहित, वैकेशन, छुट्टी, बिगिन, शुरू करना, चेयरफुली, प्रसन्नतापूर्वक, एज सून एज, जैसे ही, प्रिपेयरिंग, तैयार कर रहा, क्यूरियसली, उत्सुकतापूर्वक, इलेक्ट्रीशियन, बिजली का सामान बनाने वाला, ठीक करने वाला, फिक्स, ठीक करना, आर्ग्यू, बहस करना, स्टर्नली, कठोरतापूर्वक, ओवर हियरिंग, संयोग से बात सुनकर, कंसंट्रेट, ध्यान लगाना, अटमोस्ट, अधिकतम, ब्रिलियंट, बुद्धिमान, ट्रबल, मुश्किल, एक्सपर्ट, कुशल, अनाउंसमेंट, घोषणा, हॉबी, शौक, प्रोफेशन, व्यवसाय, चीयरफुल, प्रसन्न, इनॉग्रेशन, उद्घाटन, सेरेमनी, उत्सव या समारोह, रिबन मने फीता। तो इतनी इंपॉर्टेंट मीनिंग्स थी जो मुझे लगा मैंने यहाँ पे बनाया है, तो ये मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, अभी थोड़ा सा अधूरा है, इसमें मैं ये जो आपका एक्सरसाइज है ये मैं पूरा करा के अगली वीडियो में आपको मैं दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको मजा आया राइट चॉइस नामक लेसन को पढ़ करके, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट भी करें और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें, ताकि सभी को ऐसे ही इंग्लिश को आसानी से पढ़ने में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, जय हिंद।